दोस्तों, मेरी माँ दुर्गा ज्ञान की वाणी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तरह तरह के परफ्यूम्स के बीच एक इत्र ऐसा भी है जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। इस इत्र की खासियत है कि इससे मिट्टी की खुशबू आती है। अकिलारिया नामक पेड़ों की छाल से बनने वाला ये इत्र हमेशा से ही काफी महंगा बिकता रहा है, जिसे अगरवुड भी कहते हैं। इसके 1 किलोग्राम की कीमत लगभग 25 लाख या उससे भी ज्यादा होती है। तो चलिए जानते हैं इस इत्र के बारे में सब कुछ। अकिलारिया पेड़ की छाल से इत्र बनाने का तरीका काफी अलग है। इसके तहत पेड़ों की छाल को अलग कर दिया जाता है और इन्हें किसी नम जगह पर छोड़ दिया जाता है। जल्दी ही इन पर फफूंद लगने लगती है। इस तरह से सड़ी हुई लकड़ी से एक तरह का चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इसी को प्रोसेस करके तेल निकाला जाता है और यही परफ्यूम होता है। आमतौर पर इत्र बनाने वाले लोग पुराने पेड़ को तवज्जो देते हैं, क्योंकि उसकी छाल पर फफूंद जल्दी लग जाती है। इत्र की अच्छी क्वालिटी देने के लिए एक पेड़ को 40 साल या उससे ज्यादा पुराना होना चाहिए। देखा जाए तो ये अगरवुड का इत्र परफ्यूम की परिभाषा पर एकदम खरा उतरता है। लैटिन शब्द परफ्यूम का जन्म 2 शब्दों से हुआ है, परफ्यूमम। इसका अर्थ है धुएं के जरिए। पारंपरिक तरीके से परफ्यूम बनाने में लकड़ी की छाल को जलाया जाता है और उससे निकले तेल से खुशबू तैयार होती है। अगरवुड में भी यही तरीका अपनाया जाता है। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पापुआ न्यू गिनी में ये पेड़ पाया जाता है जिससे इत्र बनता है। मध्य काल में मध्य पूर्व और एशिया के बीच कारोबार में इस इत्र का व्यापार भी होता था। चीन के कई राजवंशों में अगरवुड के इत्र का उल्लेख मिलता है। अरब में भी इसका काफी उपयोग होता रहा। इसकी खुशबू इतनी मनमोहक होती है कि प्राचीन वक्त में लगभग सभी देशों में इसे वुड ऑफ द गॉड कहा जाता था। पारंपरिक तरीके से परफ्यूम बनाने में लकड़ी की छाल को जलाया जाता है। दुनिया भर में इस लकड़ी से बने इत्र की काफी मांग है। अलग अलग देशों के अकिलारिया पेड़ों से बने इत्र की कीमत कम ज्यादा होती रहती है। हालांकि इसके सबसे लो क्वालिटी माने जाने वाले इत्र की कीमत भी लाखों में होती है। यही वजह है कि लगभग सारे ही देशों से ये पेड़ धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। अब इस पेड़ की तस्करी होने लगी है, जो इंटरनेशनल लेवल पर होती है। न केवल इत्र बनाकर बल्कि तस्कर इसके तने को काटकर भी करोड़ों में बेचते हैं। भारत में भी हिमालय की तराइयों में ये लकड़ी मिलती है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में खासी ऊंची कीमत है। इसे सबसे बढ़िया क्वालिटी का माना जाता है। अल अरेबिया की वेबसाइट के मुताबिक इसके 1 किलोग्राम की कीमत 98 लाख से भी ऊपर जा सकती है। असम में भी अगरवुड पाया गया, जो कि वहां से सीधे खाड़ी देशों में जाता था, लेकिन अब इसका व्यापार प्रतिबंधित हो चुका है। हांगकांग, जो प्राचीन समय में इत्र के व्यापार के लिए जाना जाता था, वहां भी ये पेड़ खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। बता दें कि हांगकांग का अर्थ कैंटोनीज भाषा में खुशबूदार बंदरगाह होता है। इसका ये नाम इत्र के कारोबार की ही वजह से पड़ा। अब अकिलारिया पेड़ के लगभग खत्म होने के कारण देश इसे बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग की सरकार का कहना है कि वहां साल 2009 से हर साल 10,000 पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसी तरह से चीन के शेंजेन प्रांत में भी लोग पेड़ लगा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।